कट कर लेनी है इस तरह से, सिक्स पेटल्स कट करनी है, ये सबसे लास्ट वाली लेयर होगी पेटल्स की। फिर हमें इसका बीच कर कर इस बीच से थोड़ा सा कट करना है और इसकी पेटल्स को फोल्ड करना है और नीचे ग्लू गन की मदद से इसे चिपकाना है। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, आप अगर इसे साथ साथ बनाओगे, एक बार वीडियो को देखें, दो से तीन बार देखें, फिर आप अपना फ्लावर बनाएं, तो आपका फ्लावर बहुत ही अच्छा और बहुत क्यूट बनेगा। आपको एक बार बनाने के बाद थोड़ा समझ आएगा कि आपको किस तरह से बनाना है। पहली बार में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप जब दूसरी बार ट्राई करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने सिक्स पेटल कट कर ली हैं और अब ये जो पेटल मैं कट कर रही हूँ ये थोड़ा छोटे साइज़ में है। वो सबसे बड़ी पेटल्स कट की थी, ये उससे थोड़े स्मॉल साइज में है, ये देखें, फिर उससे थोड़ी स्मॉल, फिर उससे थोड़ी स्मॉल, इस तरह से हमें पेटल्स कट करनी है। सेम प्रोसेस है, फोल्ड करना है, नीचे से कट करना है और इसे ग्लू गन की मदद से चिपका देना है ताकि इसकी एक शेप बन जाए। तमाम पेटल्स को इस तरह से जोड़ने के बाद हम इसे अब प्लेस करेंगे। फ्रेंड्स ये वाला प्रोसेस जो हमें इसकी पेटल्स का राउंड में बनाना होगा वो आप गौर से देखिएगा। अभी हम सारे पेटल्स को शेप दे रहे हैं। इन सबको शेप देने के बाद फिर हमारा वो प्रोसेस आएगा जिसमें हमें सारी पेटल्स को अरेंज करना होगा। ये वाला प्रोसेस बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल, मतलब सबसे ज़्यादा गौर फिकर करने वाला जो प्रोसेस है वो यही है। ये आपने बहुत ही ध्यान से लगानी है क्योंकि अगर ये गलत हो जाए तो हमारी शेप ख़राब हो जाती है, वो वाली शेप नहीं बनती जो बननी चाहिए। इसलिए आप ये प्रोसेस ध्यान से देखिए और इसे केयरफुल प्लेस कीजिए। सबसे बड़ी पेटल्स हमने प्लेस की हैं, इसके बाद हम इसकी छोटी लेयर लगाएंगे। सारी पेटल्स को अरेंज करने के बाद हम इसका सेंटर बनाएंगे, जिसकी वीडियो मेरे पास अलग से भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल को विजिट कर देख सकते हो। ये देखिए मैं इसका सेंटर बना रही हूँ, बहुत ही इजी है। ये कट करने के बाद बस हमें इसे फोल्ड करना है और इसका सेंटर हो जाएगा रेडी। आप जितनी ज़्यादा इसमें पेटल्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा होता रहेगा, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा।
पेटल्स आप इस तरह से लगाएंगे कि हर पेटल आपने दूसरे पेटल से थोड़ी सी बड़ी कट करनी है, और ये देखें इस तरह से शेप आएगी, कितनी खूबसूरत और कितनी ही यूनिक है। अगर आपको मेरा फ्लावर पसंद आए, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।